हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदिवासी ट्यूटर्स। नाउ दिस इज दृष्टि वर्तिया और आज हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट 14 जून 2021 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं हम सारे बारी बारी से डिस्कस करते हैं। सो वी स्टार्टेड टुडेज करंट अफेयर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, किस राज्य में कौसा एंड द कोर बैट नामक दो उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन विच स्टेट टू सेंटर्स ऑफ द एक्सीलेंस नेम इज द कौसा एंड द कोर बैट वेल एस्टैब्लिश्ड। सो आंसर इज न्यू दिल्ली। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्यवाही सलाहकार समूह के लिए चुना गया है। सो विच इंडियन हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन एडवाइजरी ग्रुप। सो आंसर इज सुनीता नारानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, डॉक्टर अशोक पनगाड़िया का 71 ईयर के आयु में निधन हो गया है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे। सो डॉक्टर अशोक पनगाड़िया हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ द 71 ईयर, ही वॉज अ फेमस। सो वह एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, हमें याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, किस राज्य में वृक्ष संरक्षण और सुरक्षा अधिनियम 1975 में संशोधन किया गया है। इन विच स्टेट द प्रोटेक्शन ट्री प्रोटेक्शन एंड द प्रोटेक्शन एक्ट 1975 वाज अमेंडमेंट। सो आंसर इज महाराष्ट्र। और बात महाराष्ट्र की तो हमें पता होना चाहिए, कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र इज मुंबई एंड द सीएम ऑफ द महाराष्ट्र इज द उद्धव ठाकरे। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है हमें, जो शिवसेना से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, अमेरिका ने किस देश के साथ फॉल्कन क्लास 4 नामक संयुक्त अभ्यास आयोजित किया है। विच कंट्री द यूएस ऑर्गेनाइज्ड अ जॉइंट एक्सरसाइज नेम्ड इज द फॉल्कन क्लास 4। सो आंसर इज द सऊदी अरब। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है हमें, सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किसने सो औषधि पौधों, दिस इज द औषधि नॉट अ औषधि, औषधि पौधों पर ई पुस्तक का विमोचन किया है। हु रिलीज द ई बुक ऑन द 100 पॉली प्लांट। सो आंसर इज द किरण रिजिजू। किरण रिजिजू ने हाल ही में ई बुक ऑन 100 पॉली प्लांट्स पर जो है ई पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लॉन्च पुस्तक द बेंच के लेखक कौन है। हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक द बेंच। सो आंसर इज द मॉर्गन मॉर्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य ने वेयान गांव ने सभी वयस्क लोगों का COVID-19 टीकाकरण किया है। विच स्टेट्स वैन विलेज हैज वैक्सीनेटेड ऑल एडल्ट्स फॉर द COVID-19। सो आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, लिस्बन में आयोजित भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है। विच मेडल डिड नीरज चोपड़ा विन इन द जेवलिन थ्रो कॉम्पिटिशन हेल्ड इन द लिस्बन। सो आंसर इज गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किस देश ने सैन्य कर्मियों की मानहानि पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया है। विच कंट्री पास्ड अ लॉ बैनिंग डिफेमेशन ऑफ द मिलिट्री पर्सनल। सो आंसर इज चाइना। एंड द कैपिटल ऑफ चाइना इज द बीजिंग एंड द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना इज जी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है। सो हु वॉज अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। सो आंसर इज द एंटोनियो गुटेरेस। हाल ही में एंटोनियो गुटेरेस को सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन के लिए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, किस राज्य सरकार ने किसान मित्र ऊर्जा योजना लॉन्च की है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द किसान मित्र एनर्जी स्कीम। सो आंसर इज द राजस्थान। एंड द कैपिटल ऑफ राजस्थान इज जयपुर। एंड द प्रेजेंट सीएम ऑफ द राजस्थान इज अशोक गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किसे स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ द आस्टूरियास लिटरेचर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ द ऑस्ट्रियास लिटरेचर अवार्ड 2021। सो आंसर इज द एमिनियल केरर। एमिनियल केरर को स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ द ऑस्ट्रियास लिटरेचर अवार्ड 2021 से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कथक नृत्य के क्षेत्र में डी लिट की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू गेट द डिग्री ऑफ द डी लिट इन द फील्ड ऑफ द कथक डांस। सो आंसर इज विधि नागर बनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, माई लैब ने किस भारतीय अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सो विच इंडियन एक्टर हैज बीन अपॉइंटेड बाय द माई लैब एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। सो आंसर इज द अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को हाल ही में माई लैब कंपनी ने एज अ ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इम्पोर्टेंट, याद रखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, फ्लिपकार्ट ने किस राज्य के साथ मेडिसिन फॉर्म द स्काई
परियोजना के लिए समझौता किया है। With which state Flipkart has tied up for the project Medicine from the Sky? So answer is the Telangana. Important है, याद रखना हमें तेलंगाना। Next question, question number 17. अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who was appointed as the president of the International Swimming Federation? So answer is Hussein Al Musallam. Next question, question number 18. इंटरपोल में किस नाम से दवाइयों और चिकित्सा उत्पादों की अवैध बिक्री को रोकने के लिए अभियान चलाया गया है? In which name did the Interpol campaign to stop illegal sale of the drugs and the medical products? So answer is the Operation Pangaea 15. याद रखना हमें ऑपरेशन पांगिया 14 इम्पोर्टेंट है, याद रखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, किसने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब जीता है? हु वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल इन द फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021? सो आंसर इज द बारबोरा क्रेजिसिकोवा। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है बारबोरा क्रेजिसिकोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, किस कंपनी ने दुनिया की सबसे लंबी अंडरसी केबल का निर्माण करने की घोषणा की है? So which company announced to build the wildest longest undersea cable? So answer is Google. Important है, याद रखना है हमें Google. So this is the all about the today's 14 June 2021 current affairs. So guys, आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन जो मैंने कम टाइम में बहुत अच्छे से बताई है, आपने इसे नोट डाउन कर ली होगी, और अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं, और एक क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर या टेलीग्राम ग्रुप नंबर को भी ज्वाइन करके क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं। माय टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप नंबर इज 9424570979। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपने सब्सक्राइब चैनल कर दिया होगा, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, बिकॉज आज के वीडियो का टारगेट कम से कम 25K होना ही चाहिए। सो गाइज, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, योर सपोर्ट इज अवर पावर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।